अपने आसपास के बारे में भी सोचें। सारी सृष्टि ने, सारे ब्रह्मांड ने हमारे अस्तित्व को निर्मित किया है। ये जो हमारा संपूर्ण भौतिक भावनात्मक अस्तित्व है, इस शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अस्तित्व को संपूर्ण सृष्टि ने सहयोग करके तैयार किया है, तो संपूर्ण सृष्टि के प्रति अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, दाई से बाई, बाई से दाएं हाथ को पकड़ लीजिए। सर्वाइकल स्पिनलेट स्पिन के लिए बहुत जरूरी है। संपूर्ण सृष्टि ने हमारे अस्तित्व को निर्मित करने में बहुत बड़ा सहयोग किया है। संपूर्ण सृष्टि के प्रति हमारे दायित्व तो भी है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इस धरती माता ने हमारे इस अस्तित्व को बनाया है, इसलिए इस धरती को जहरीला नहीं बनाना। धरती में पैदा हुए अन्न, शाक सब्जियों और फलों से हमारा ये शरीर परिपुष्ट बना है, बलवान बना है, निर्मित हुआ है। दोनों हाथ के अंगुलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। इसलिए धरती माता की कोख में जहर मत डालना, जल में विष न घोलना, वायु में प्रदूषण मत फैलाना। आज भी हम जिंदा हैं तो शुद्ध हवा की बदौलत जिंदा है। जिस दिन ये शुद्ध हवा न मिलेगी, हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए वृक्ष लगाना, ये वृक्ष विषपान करके हमको अमृत देते हैं, खुद कुछ ना लेकर के हमको फल देते हैं, फूल देते हैं, मेवे देते हैं। ये सारी सृष्टि देखो दे रही है। हवाओं को प्रदूषित न करना, जल को प्रदूषित न करना, धरती माता की कोख में जहर मत डालना, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। दोनों हाथ घुटनों पर गोल गोल घुमा लीजिए। सारी सृष्टि जहरीली होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व में सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। यदि हमने विलासितापूर्ण जीवन शैली का त्याग नहीं किया, हमने मांसाहार का त्याग नहीं किया, हमने नशा का त्याग नहीं किया, तो मानवीय अस्तित्व संकट में आ जाएगा। सारी सृष्टि के प्रति भी हमारे बहुत कर्तव्य है। इसलिए वृक्षारोपण करना, वायु को दूषित मत करना, जल को दूषित मत करना, धरती माता को दूषित मत करना, क्योंकि जो हम इस सृष्टि में देंगे वो हमें ही वापस मिलने वाला है। भारतीय संस्कृति में इस सृष्टि को भोग की वस्तु नहीं माना है, इस सृष्टि को भगवान का स्वरूप माना है। यह सृष्टि भोग की वस्तु नहीं, यह सृष्टि भगवान का स्वरूप है, यह भगवान का प्रसाद है, यह सृष्टि भगवान का शरीर है। जैसे हमारे आत्मा का रहने का आश्रय यह काया है, इस शरीर रूपी इस काया में कौन रहता है? आत्मा। ये आत्मा का घर है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहो विषयांस्ति सुगोचरान, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः। जैसे आत्मा के रहने का स्थान ये शरीर है, ऐसी ब्रह्म का शरीर है ये सारी माया, इसके कणकण में वही है समाया। इसलिए हमारे यहां पर कहा गया, वासुदेव सर्वम सियाराम मैं सब जग जानी ईशवा सबदम सर्वम। सब रूपों के पीछे ब्रह्म का रूप है, सब संबंधों के पीछे ब्रह्म का ही संबंध है।
माता पिता बनकर के भगवान हमको जन्म देते हैं, गुरु बनके जन्म देते हैं, पति पत्नी बनकर के वो हमें प्रेम करते हैं, वो पुत्र बनकर के हमारे भीतर की करुणा और वात्सल्य को जगाते हैं और हमें सुख पहुंचाते हैं। वो भगवान हमको ना अनेक रूपों में सुख दे रहा है। बैठ जाओ वज्रासन में। इस ब्रह्मांड में हम सुख का निषेध नहीं करते। भारतीय संस्कृति सृष्टि से पलायन की शिक्षा नहीं देती। पलायनवादी सृष्टि नहीं है हमारी। हम कहते हैं न भोगो न भागो, जागो। ज्ञान पूर्वक जैसे एक बच्चा, महायोगी श्री अरविंद जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे एक बच्चा मां का स्तन पान करता है, यह उसका अधिकार है, और इससे मां के भीतर का प्रेम, मां के भीतर की करुणा, ममता, वात्सल्य उस मां को खुशी देता है। जब मां को बच्चे को स्तनपान कराती और बच्चे को शक्ति मिलती है, मां का प्रेम जागृत हो रहा है, वो वात्सल्य में, वो करुणा में, वो प्रेम में आनंदित हो रही है बच्चे को दूध पिला करके, और बच्चा शक्ति पा रहा है। ऐसी सृष्टि का मां के ऐसे स्तनों का पान करते हैं, ऐसी सृष्टि का सुख लेना। लेकिन कोई बच्चा मां का खून पीने लगे तो मां के ऊपर अत्याचार हो गया। ऐसे ही प्रकृति माता के ऊपर अत्याचार नहीं करना। ऑक्सीजन लेने का हमें अधिकार है पेड़ों से, पेड़ों को काटने का हमें अधिकार नहीं है। जल पीने का हमें अधिकार है, लेकिन जल में इंडस्ट्रियां लगा करके जहर घोलने का अधिकार नहीं है। साफ डालो वापस, जल को शुद्ध रखो। धरती से अन्न पैदा लेने का, उससे शाक सब्जियां फल लेने का हमें अधिकार है, लेकिन धरती की कोख में जहर डाल करके और फिर उनसे अन्न लेना, यह अत्याचार है, यह पाप है, यह अपराध है। ऐसा दर्शन है हमारा। इसी दर्शन को वेदों ने कहा और महायोगी श्री अरविंद ने भी इसी दर्शन को अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त किया। ये इस प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को समझना, हर पल इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, क्योंकि हमारा जो संपूर्ण अस्तित्व है, एक एक शरीर की कोशिका, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के सहयोग से बना है, और ये मन चंद्रमा से बना है। देखो चांद कितना सुंदर दिख रहा है, चंद्रमा मन सहजा, ये चंद्रमा से मन पैदा हुआ है। चक्षुः सूर्यो अजायत, और सूर्य से आंखों की उत्पत्ति हुई है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ने मिलकर के हमारे अस्तित्व को बनाया है, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। और ब्रह्मांड किसने बनाया? भगवान ने। इसलिए ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंडा शरीर है ये ब्रह्मांड, उस ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। फिर ये सारी सृष्टि देती है, धरती को एक दाना दो हजार गुना वापस करके देती है, जल दूसरों को जीवन देते हैं, वृक्ष दूसरों को जीवन देते हैं, ये सृष्टि दूसरों के लिए जी रही है, तो आप भी दूसरों के लिए जीना। दूसरों के लिए जीते तो हैं, दो चार लोगों के लिए, एक सन्यासी साधु वो सब के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जीता, तो आप भी क्या करना, दूसरों को सुख देना, दूसरों को शांति और आरोग्य देना। क्या करना? खुद योग करना और रोको कराना, इससे सबको सुख शांति आरोग्य मिलेगा और धरती पर भगवान का साम्राज्य आएगा। शेरविंद का सपना था, वो मानव को महामानव बनाना चाहते थे, वो पशुता से असुरत्व से मनुष्यत्व, मनुष्यत्व से देवत्व, देवत्व से अतिमानवत्व की ओर हमें ले जाना चाहते थे। शेरविंद के सपनों को हमें साकार करना है, और जिस दिन ये मानव महामानव बन जाएगा उस दिन इस धरती पर भगवान का साम्राज्य आ जाएगा। ऐसा हम सबको मिलकर के काम करना, ऐसा था हमारे महापुरुषों का दर्शन। तो योग के जरिए एक मानव के भीतर छुपा हुआ जो महामानव है, जैसे बीज में वृक्ष होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे धरती में बहुत ऐश्वर्य है, उसमें कितना अन्न, कितना धन धान्य है, कितनी सुगंध है, कितनी मिठास है धरती के अंदर, लेकिन उसके लिए उसमें फसल बोनी पड़ती, बीज बोने पड़ते, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है, औरों को करवाना है, सबको जगाना है। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुठिया बंद, ये 12 आसन भी सबको करवाना है,
सबको योग सिखाना है, पूरे भारत को योगी बनाना है और धरती पर भगवान का साम्राज्य लाना है। इंद्र वर्धन तो अपना कणवन तो विश्व मारे अवग्रहण तो रावण, सास को बाहर छोड़ा पेट को अंदर दबाया, यही वेद का आदेश, यही हमारे पूर्वजों का आदर्श। सास को बाहर छोड़ो ना और आगे झुको, कमर में दर्द है तो पूरा मत झुकना, ऐसे दबा लेना। कमर में दर्द नहीं है तो ये बाणासन सबको करने, औरों को कराने, सबको सिखाना, सबको योगी बना लो। मुंडकासन का दूसरा अभ्यास आज जो सिखा रहे थे रोज करना, औरों को कराना। सांस को बाहर छोड़ो, आगे जो को जो स्वस्थ है वो भी करो जिसे बीमार ना हो, और जिनको पेट की खराबी है, डायबिटीज की बीमारी है, वो भी करना। मंडू का आसन पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा शशक आसन। सबको अच्छा शरीर चाहिए, अच्छा मन चाहिए ना, अच्छे विचार चाहिए ना, आदर्श शरीर, आदर्श मन, आदर्श वाणी, व्यवहार, आहार, आदर्श जीवन। अब ये असुरत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, अतिमानत्व नहीं समझ में आता, दूसरी तरह से समझा रहा हूं। शशकासन करते समय एक होता है बहुत गिरा हुआ पतित जीवन, एक होता है साधारण जीवन, एक होता है सफल जीवन और एक होता है आदर्श जीवन। तो हमको जो है पिछड़ा हुआ जीवन, पतित जीवन नहीं जीना, सामान्य जीवन भी नहीं जीना है। हमको मात्र एक सफल इंसान ही नहीं बनना है, हमें आइकॉन बनना है, और आइकॉन बनने का सामर्थ्य सबके अंदर भगवान ने दिया है। मैं एक बार बार कहता हूं, शशकासन करते वो भी बताता हूं आपको। भगवान ने हमको चाहे किसी भी वर्ग में, किसी भी समुदाय में, किसी भी जाति में, किसी भी मजहब में, गांव में, शहर में, कहीं भी जन्म दे दिया हो, लेकिन भगवान ने जन्म कहीं पर भी दिया हो, शक्तियां देने में हमारे साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। बिना किसी भेदभाव को सबको, दो ही हाथ, दो ही आंख, दो दिमाग, राइट लेफ्ट में सबको, दिल, फेफड़े, हार्ट, लिवर, किडनी, सब कुछ इक्वल दिया हुआ। भगवान ने सबको इक्वल टैलेंट, इक्वल नॉलेज, इक्वल पावर, इक्वल स्ट्रेंथ, सबको एक जैसा शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, ऊर्जा दी हुई है, और कोई भी व्यक्ति चाहे तो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर पहुंच सकता है। और यह सबके दिल की भीतर की इच्छा होती है, मैं प्रथम बनूं, और प्रथम बनने का सामर्थ्य भगवान ने तुम्हें दिया हुआ है। बस योग करना, वो प्रथम बनने का सामर्थ्य, आपकी शक्ति, ऊर्जा, आपकी प्रतिभा भीतर की जागृत हो जाएगी। हाथ ऊपर उठाओ, रोज करने योग अभ्यास, हर मानव को महामानव बनाना, रोगी होने से बचाना, यह सामान्य मकसद है योग, और रोगों को मिटाना यह भी सामान्य उद्देश्य ही होगा। हाथ ऊपर, ऊपर देखो तो आगे झुक जा, दोनों हाथ साइड से नीचे लाए, हमें आगे झुकना सिखाया जाता है बचपन में। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, राष्ट्र देवो भव, सबके प्रति, माता पिता गुरुजनों के प्रति आदर का भाव रखना, उनको प्रणाम करना, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या धरती माता को प्रणाम करना, माता पिता धरती माता से हमारा जन्म हुआ है। बाएं पैर मोड़ लेना, सुबह उठ करके बड़ों को प्रणाम करना, झुकने से अपना दिमाग ठीक रहता है, दिल ठीक रहता है, और बड़ों के आशीष मिलते हैं। बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर, ये ऐसे करो ना। बोलो बाबा जी, होता ही नहीं, नहीं होता है तो भी एक्टिंग तो करो। बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर,
छोड़ दिया।